सबसे पहले ना मैं अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के प्रिपरेशंस कर रही थी, तो एक दिन आई रियलाइज कि देर इज़ अ बाउल, थोड़ा एक फोड़ा टाइप था. तो आई थॉट कि होगा कुछ ऐसी मुझे प्रॉब्लम, क्योंकि वो अपने आप बर्स्ट हो गया था. एंड आई फेल्ट लाइक ओके फाइन. तो ऐसे ही चलता गया 2 months 3 months, ठीक नहीं हुआ. उसके बाद आई कंसल्टेड विद माई होम्योपैथी डॉक्टर. मैंने उन्हें बोला ऐसा कुछ है, तो उन्होंने बोला कुछ ऐसा नहीं, नॉर्मल उन्होंने दवाई दी, पर उससे मुझे कुछ हुआ नहीं, वही बर्स्ट होता था, फॉर्म होता था. देन आई रियलाइज कि शायद ये कुछ और है, तो इसलिए आई वेंट टू एम्स दिल्ली. वहाँ पे मुझे डायग्नोसिस पहले करा कि शायद से नहीं, उन्होंने फिस्टुला मुझे नहीं बताया, उन्होंने मुझे बोला इट कैन बी ड्यू टू सम हर्पीज और समथिंग. अच्छा. तो आई टोल्ड देम कि आई वाज सेक्सुअली इनएक्टिव. तो फिर उन्होंने मुझे डायग्नोस करा एंड दे सेड इट्स नॉर्मल फॉलिकुलाइटिस, जस्ट हेयर फॉलिकल्स की वजह से हुआ है, ये ठीक हो जाएगा, कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं है. पर ये चीज कंटिन्यू होती गई एंड आई पर्सनली फेल्ट कि ये फॉलिकुलाइटिस नहीं हो सकता. मैंने अपने ही सिम्टम्स डायग्नोस करना स्टार्ट करा, रीडिंग स्टार्ट करी, देन आई केम टू नो समथिंग कॉल्ड फिस्टुला. उसके बाद मैं अपना सिम्टम्स लेके और अपना डायग्नोसिस लेकर ही डॉक्टर के पास गई और मैंने उन्हें बताया कि मुझे फिस्टुला है. तो उन्होंने फर्स्ट मुझे उन्होंने फिस्टुलोग्राम के लिए बोला. व्हेन आई एंटर्ड द रूम, मुझे नहीं पता था फिस्टुलोग्राम, आई थॉट अ सिंपल एक्सरे विल बी डन, बट इट वॉज वेरी पेनफुल. सिंस उन्हें कुछ डाई अंदर डालना था विदाउट एनी काइंड ऑफ एनेस्थीसिया, और उसके बाद से आई फाउंड कि अब मुझे ऑपरेशन तो एज इन करवाना ही नहीं है बिकॉज इट वॉज सो पेनफुल. उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि गो फॉर फिस्टुलोक्टमी, और उन्होंने मुझे ये भी सजेस्ट करा कि सिंस यू आर वेरी यंग, हो सकता है ये रीअकर करे आफ्टर 2 years 3 years या 6 months. तो मैं तो बहुत डर गई ऑब्वियसली कि मैं फिर ऑपरेशन कराऊंगी और फिर सेम प्रॉब्लम होगा. तो आई वेंट टू माई होम्योपैथी डॉक्टर, उनके पास एज इन बचपन से आई एम टेकिंग मेडिसिन एंड हाँ मुझे ठीक हो जाता था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी ठीक हुए हैं. मैं गई, मैंने उन्होंने बोला वाई टू हैव स्कार्स, आपका कभी ठीक नहीं हो सकता, रीअकर होगा ही होगा, और होम्योपैथी हैव कम्प्लीट क्योर. उसके बाद आई टुक अराउंड 2 years कम्प्लीट मैं होम्योपैथी पे गई, क्योंकि हाँ मुझे उस टाइम पे रिलैक्स था, पेन नहीं था, सिर्फ मुझे पस डिस्चार्ज होता था, एज सच ब्लीडिंग मुझे कभी भी नहीं हुई. जो मुझे लेफ्ट हैंड साइड में था आफ्टर वन एंड हाफ ईयर्स लेटर आई रियलाइज कि वो एक तरफ ही नहीं, मुझे दूसरी तरफ भी हार्डनेस सी फील होने लगी. मैं डॉक्टर के पास गई, उन्होंने बोला कुछ नहीं है, ये बस ऐसे ही आपको फील हो रहा है, ये कुछ नहीं है. करते करते आई रियलाइज कि कुछ है, लिटरली कुछ है, क्योंकि जब लेफ्ट साइड वाला जब स्वेलिंग नहीं होती थी तो राइट हैंड साइड में वो स्वेलिंग आ जाती थी, फिर राइट हैंड वाला ठीक होता था तो लेफ्ट हैंड वाले में. तो फिर मैंने स्टडी करी, फिर मुझे लगा कि नहीं कुछ तो है. फिर वही सप्रेस करते 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 एक दिन बहुत ज़्यादा पेन हुआ, क्योंकि वो पस डिस्चार्ज नहीं हो रहा था. तब मैंने आपसे कंसल्ट करा. तो यू सेड दैट जो एक तरफ थी इट हैज टर्न्ड इनटू अ कॉम्प्लेक्स हॉर्सशू फिस्टुला. यू टोल्ड अबाउट MRI, उसी दिन मैंने MRI कराई एंड MRI में भी सेम वही चीज लिखी थी जो आपने मुझे बताया. सिंस कोरोना टाइम था, 2-3 दिन लेट हो गए फॉर ऑपरेशन. फिर आई गेस ट्यूजडे आई थी मैं, फ्राइडे को मेरा ऑपरेशन हुआ. फर्स्ट डेट ऑफ ऑपरेशन वॉज 26th of June. हाँ तो उतना पेन नहीं हुआ, पर हाँ पेन थोड़ा सा था, दैट वॉज ऑल बेयरेबल. और जो भी पेन किलर्स था आई जस्ट टुक फॉर 10 days, उसके बाद मुझे पेन किलर्स की कोई ज़रूरत नहीं थी बिकॉज इट वॉज ऑल बेयरेबल. थोड़ा सा ड्यूरिंग बाउल्स थोड़ा सा दिक्कत था, अदरवाइज सब ठीक था. उसके बाद फिर अगेन 21 days के बाद नेक्स्ट सर्जरी में फर्स्ट जो था उतना पेन नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था. थर्ड सर्जरी में देर वॉज अ वेरी स्मॉल कट, थर्ड सर्जरी में थोड़ा सा पेन था मुझे, बिल्कुल था, पर वो भी क्या 5 minutes का या फिर 2 minutes का. उसके बाद जैसे ही आई यूज़ टू वॉश माई सेल्फ वो पेन भी चला गया. उसके बाद तो मैंने कभी पेन किलर टच ही नहीं करा. आपने मुझे पहले ही बोला था इट कुड टेक 4 surgeries और 4 से ज़्यादा 5. उसके बाद फोर्थ सर्जरी आफ्टर वही 21 days फिर से मेरी फोर्थ सर्जरी हुई. फोर्थ वॉज अगेन वेरी कम्फर्टेबल, मुझे पता ही नहीं चला कि कुछ हुआ है बिकॉज सेकेंड डे क्या आई गेस 2-3 hours लेटर ही मैं अपना असाइनमेंट कर रही थी उठ के बैठ के. तो लाइक आई वॉज दैट मच कम्फर्टेबल. थर्ड सर्जरी से आई वॉज लाइक फीलिंग वेरी मच कम्फर्टेबल कि शायद अब मुझे जरूरत नहीं है, बट सिंस कुछ थ्रेड लाइक सा था उसको निकालना वॉज इम्पोर्टेंट.
फोर्थ के बाद मुझे वो भी जरूरत नहीं पड़ी. और उसके बाद 10 days के बाद मैं फिर आई. यू सेड कि उसमें अच्छे से गॉज लगाओ तो वो शायद जो भी डिस्चार्ज है खत्म हो जाएगा. और आज 6 अक्टूबर आई तो यू सेड इट्स ऑल क्लियर. एज इन जर्नी में इतना दिक्कत नहीं हुआ जितना मुझे 2 साल झेला है. गैस ये मुझे और पहले करवा लेना चाहिए था. और व्हाटएवर जो पेन डिस्कम्फर्ट था व्हिच यू वर अंडरगोइंग ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट उससे भी रादर कम ही रहा. नहीं तो लोगों के मन में फेयर रहता है कि दर्द होगा, मैं ट्रीटमेंट कराऊंगी, पता नहीं क्या हो जाएगा. डेफिनेटली बहुत कम था. इवन मैं कह रही हूँ मैंने पेन किलर्स नहीं लिए थे ज्यादा. बिकॉज मुझे भी पेन किलर्स उतने मेडिसिन लेना पसंद नहीं. जस्ट एंटीबायोटिक्स भी थे, एंटीबायोटिक्स वो भी बहुत कम दिनों के लिए. उसके बाद से सब मना था कि कुछ नहीं लेना है. और मेरी कुछ पर्सनल चीज़ें हैं जो मैं सबके साथ शेयर करना चाहूँगी कि इफ़ यू आर प्लानिंग तो एक मेडिक्लेम करवा के ज़रूर रखिए. इट्स लाइक आप लोगों के लिए. और एक चीज़ जो मैं कमेंट सेक्शंस में बहुत पढ़ती हूँ वीडियोस के कि ये सारे फेक पेशेंट्स है, पेशेंट्स को पे करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है. हम लोगों को पे नहीं करना पड़ता टू मेक एनी काइंड ऑफ वीडियोस. और बाकी कुछ भी डाउट्स हो तो दे कैन डेफिनेटली आस्क मी. आप नंबर शेयर कर पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं अपने डैड का नंबर शेयर कर देती हूँ. 9818810387. ठीक है, ठीक है जी. सो एनीथिंग एल्स यू वांट टू ऐड? कुछ और कि एज सच कुछ डरने वाली बात नहीं है. पेन जितना अभी झेल रहे हैं उससे कम ही होगा. और सेकेंडली बात आती है स्कार की. तो स्कार की उतनी टेंशन लाइक गर्ल्स को होती है कि स्कार की प्रॉब्लम. इतने स्कार्स नहीं होंगे, वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा आई गेस. क्योंकि मेरा तो कॉम्प्लेक्स हॉर्स शू टाइप था, स्टिल आई एम जस्ट गेटिंग वन होल. तो वो भी आई गेस आफ्टर फ्यू मंथ्स वो भी हील हो जाएगा. यस यस दैट विल बी ओके. एंड सेकंडली व्हेनेवर देयर इज हॉर्स शू फिस्टुला 4-5-6 सिटिंग इज वेरी नेचुरल. लकीली यू कुड वी कुड हील एवरीथिंग इन 4 सिटिंग. दैट्स गुड. वी वर प्लानिंग 5 or 6. या एग्जैक्टली. एंड इट्स एंड लकीली योर हीलिंग वाज आल्सो गुड. सो the things got finished well in time. Okay, and what about how it started? Was it constipation? Was it fissure? Do you remember? Can you guide? Because at the early stage, yeah, if patient can understand this and they can prevent a situation where it becomes very complex. Definitely. Fissure ka mujhe koi idea nahi tha ki whether it was fissure or not. पर हाँ कॉन्स्टिपेशन तो मुझे बचपन से ही है. लाइक हाँ कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम था बट आई नेवर रियलाइज कि कुछ ऐसा हो जाएगा. नहीं, कॉन्स्टिपेशन से ही हार्ट स्टोल से ही फिशर होता है, कट लगता है. दैट पेनफुल डिफिकेशन की प्रॉब्लम कभी रहा था कि कभी? नहीं, कभी. यू नेवर हैड दैट प्रॉब्लम एंड स्टिल यू गॉट दैट? या एग्जैक्टली. ओके, तो दिस इज ओनली मोस्ट ऑफ द पेशेंट वी गेट अ हिस्ट्री कि दे हैड अ हिस्ट्री ऑफ ओकेजनली पेनफुल डिफिकेशन, स्टूल पास करने में दर्द होता था, पाइल समझ के उसकी दवाई ले लेते थे, ठीक हो जाता था, फिर हो जाता था ठीक, एंड ग्रेजुअली वो टीयर होके फिस्टुला कन्वर्ट हो जाता. और एक चीज है कि ये कोई मेडिसिनल प्रॉब्लम है ही नहीं कि आप मेडिसिन खा के ठीक हो सकते हैं. क्योंकि इट्स अ कम्प्लीटली अ नेचुरल डिफरेंट ट्रैक, उसको निकालना ही है. ये आपकी ही सेंटेंसेस है एंड इट्स लाइक करेक्ट. अब मैं सारे का होम्योपैथी कैन नेवर हील इट. हो सकता है कि होम्योपैथी से फीवर कम हो जाए या किसी को कुछ प्रॉब्लम है, पेन कम हो जाए, स्वेलिंग कम हो जानी है पस निकलने के बाद. डेफिनेटली स्वेलिंग अपने आप कम हो गई. जैसे मुझे पेन नहीं था पर जब पेन स्टार्ट हुआ अनबेरेबल पेन था. ठीक है, थैंक यू.